और बोल रहे हैं चमार के साथ दुसाज के साथ प्लांट है का, हम देखने गए थे। और जब मैं तीती में वो लवर को रखी थी तो क्यों रखे थे अपने लाइफ में मेरे को, जब बोल रहे हैं वीडियो में आया कि चूमा चाटी करवाई है प्लांट है का, मैं खुद पकड़ा था तो क्यों रखे थे उस समय, भगा देना चाहिए था ना हमको, कायला रखे थे। और बोल रहे हैं का सारा सोना लेके भागी है, कितना सोना चाहता था। बात मुझे लगी रानी जी की बात, क्योंकि मैं उसी दिन से ऐसे ही वीडियो बनाती आई, आज भी बना रही हूँ। क्योंकि अगर जब मैं तो शुरू से बोली कि जब आप जानते थे देखते थे कि उनकी लाइफ में कोई और है तो आप अपने घर में क्यों आज तक रखें, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरियाँ थीं जो आज तक अपने घर में उनको रखें, वो भी एक हस्बैंड होकर के एक वाइफ को ऐसा देख सकता है भला, बताइए कौन सी दुनिया में ऐसा देखता है कि हमारे घर में चार लवर आ रहे हैं हमारी पत्नी का और हम अपनी आँखें से देख रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। हाँ खैर औरत लोग देख सकती हैं पर हस्बैंड कभी नहीं किसी की देख सकती। हमारे घर में चार गुंडे आते और जाते रहे हमेशा हमारी वाइफ के साथ, कितनी बड़ी सुपरस्टार हो तो क्या, ऐसा कोई नहीं चाहता है। आवाज़ रो गिड़ आ रहे हैं तो आपके रोने की गिड़ाने से नहीं आएगी, मैं तो पहले बता दी थी ना अगर आपके अंदर उसका उसमें उसके अंदर प्यार होता आपकी प्रति तो आपको छोड़ करके नहीं जाती। आज जो भी खुद ही वीडियो बनाकर आप लोगों को बीच में बयां कर दी ना कि हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, ना वो पढ़े लिखे हैं ना वो कुछ भी, उनके पास कोई मतलब तरीका ही नहीं है। तो रानी दी मैं आपसे एक बात और कह रही हूँ, आज तक आप कहाँ थी, एक लड़की हो गई इतनी बड़ी हो गई, मान लीजिए बहुत अच्छा हुआ कि आज तक तो सब लोग मीडिया ही बारे जानते थे कि उसकी बेटी भी यहीं पर है अपने पापा के साथ, लेकिन आज तो आप खुलासा कर दें कि लड़की मेरे साथ है, मैं उसका पालन पोषण कर सकती हूँ। इतना थोड़ा क्लिप लगा रहे हैं आप लोग, देखते रहिए। चाहे मैं कहीं भी रहूँ किसी भी हाल में रहूँ कमा के खा लूँगी, मेरी एगो बच्ची है, मैं अपनी बच्ची को ना कैसे रखना है और कैसे नहीं, एक माँ से ना ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। एक माँ है ना जब जन्म देने का हौसला रखती है ना तो उसको पालने पोसने और लाइफ उसका सेट करने का भी हौसला रखती है। ठीक, मेरी 10 गो बच्चियाँ नहीं है, मेरी 1 गो बच्चिया है, मैं उसके लिए जो करना होगा मैं करूँगी, लेकिन उसके लाइफ में मैं कभी नहीं जाऊँगी। फ्रेंड आप लोगों ने पूरी बात, क्योंकि देखिए एक हस्बैंड को चुप रहने की बुरी सज़ा मिली नहीं मिली, अगर वो आज पोल खोल रहे हैं कि हाँ मेरी वाइफ को दूसरे के साथ चक्कर था तो आज वाइफ भी बोल दी ना कि आप आज तक कहाँ आप थे, आप अपनी आंखों से क्यों देख रहे थे, अपनी लाइफ में मुझे क्यों रखें, और बची बात मेरी बेटी की तो मैं अपनी बेटी के साथ मैं खुश हूँ, उसको अच्छा संस्कार दे सकती हूँ, आपसे बेटर संस्कार मैं दूँगी, तो सबसे बढ़िया बात है दीदी जी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप अपने बच्ची को अपने साथ लेते रहिए। और मियाँ बीबी का मैटर है, आज लोग अलग हैं तो कल तो एक होंगे ही ज़रूर, और तक कि बच्ची माँ के साथ है तो सबसे बढ़िया मुझे है कि एक माँ को अपने बच्चे के साथ रहना ही चाहिए और उसको अच्छा संस्कार ही देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।